अपना गोल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम फेस होती है वो प्रॉब्लम क्या होती है, दे डोंट वॉन्ट टू अपग्रेड देम नॉलेज। बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर मिलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप क्या हमें बताना चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ, चलो। मतलब उन लोगों को अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करना है। उन लोगों का माइंडसेट कैसा है, नोकिया का 2626 कितने लोगों ने यूज किया होगा, यह याद है नोकिया का 2626। वो बोलते उसमें व्हाट्सअप चलना चाहिए, उसमें व्हाट्सअप अपडेट होना चाहिए, क्या पॉसिबल है? तो पुराना नॉलेज आपको पुरानी जगह रखेगा, नया नॉलेज आपको नई जगह लेकर जाएगा। तो नॉलेज को अपडेट करना भी जरूरी है। दे डोंट वॉन्ट वर्क हार्ड। बहुत सारे लोग आज दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनको शॉर्टकट अपनाना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, एफर्ट्स नहीं करने। और जब मेहनत, एफर्ट और हार्ड वर्क नहीं होता है और जब शॉर्टकट होता है, तो शॉर्टकट जब हम आगे जाते हैं ना, तो बीच में हम कट भी हो जाते हैं, मतलब एक जगह जाकर अटक जाते हैं। तो जिंदगी में कभी भी दो चॉइस अगर आप लोगों के पास आए, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग वे, तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं हार्ड वर्क वाला रास्ता अपनाना, शॉर्टकट वाला नहीं। क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता जब आप अपनाने जाओगे, टेम्पररी आपको कामयाबी मिलेगी, परमानेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो हार्डवर्क के दम पर हुए हैं, शॉर्टकट के दम पर नहीं। और इसका बेसिक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो लिफ्ट के अंदर बंद गए, लिफ्ट में गए जा रहे थे, तीसरे चौथे माले पे जाके अटक गए और बीच में ही रुक गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बीच में अटक गए, कोई लिफ्ट में गया ही नहीं है, अटके नहीं है। ओके, लेकिन आप लोगों ने सुना तो है ना कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, वीडियो भी आप लोग देखते होंगे। तो याद रखना, लिफ्ट जो है ना वो जिंदगी में शॉर्टकट का काम करती है, लेकिन वो कभी भी बंद हो सकती है। दादर जो होते हैं ना, सीढ़िया जो होती है ना, वो कभी बंद नहीं होगी, वो ऑलवेज अप चढ़ने के लिए काम लगेगी और नीचे उतरने के लिए काम लगेगी। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहाड़ अगर हमें चढ़ना है तो हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। पहाड़ अगर मुझे चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट अगर मुझे क्लेम करना है, तो मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए? मेरी पोजीशन होनी चाहिए झुककर, क्योंकि झुककर मैं चढ़ पाता हूं। और जब मुझे उतरना होता है पहाड़, तो मेरी पोजीशन क्या होती है, अपसाइड। मोरल ऑफ द थिंग ये बताता है, जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, तो थोड़ा झुकना सीखो। जो इंसान झुकता है ना वो आगे बढ़ता है, जो अड़ग रह जाता है ना वो कई बार फेल हो जाता है। आप लोगों को अपनी जिंदगी के इन चीजों को लेकर समझना भी जरूरी है। दे वॉन्ट एवरी इन इजी वे, इजीली अवेलेबल था। अभी जिन जिन लोगों ने जियो लिया है वो सबसे ज्यादा पैसा भर रहे। तो इस दुनिया में कोई भी चीज इजीली या फ्री में अवेलेबल नहीं होती है, हर चीज का मूल्य चुकाना पड़ता है। फिर आगे अगर बात करूं तो नेगेटिव एटीट्यूड, बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है। नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से ये पॉसिबल नहीं है, मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूं, ये मेरे बस का नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के ये जो थॉट होते हैं ना, वो थॉट ही उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसके बाद होता है कि कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसाइज। बहुत सारे लोग जब कामयाब नहीं होते और उनको पूछा जाता है कि सर आज कामयाब आप क्यों नहीं हुए, तो वो बताते हैं मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, मैं अच्छे घर के अंदर पैदा ही नहीं हुआ, अंबानी के वहां होता तो कुछ बन गया होता। मतलब नुस्खे निकालते हैं, कारण निकालते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन वो बातें कोई मायने नहीं रखती। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो यहां पर भी कुछ लोग बैठे हैं, जिनके चेहरे अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ये फील हो रहा है, बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस ही नहीं है, मस्ती में है।
बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जब तक यहाँ पर हम हैं और जितना मजे से हम यहाँ पर जी रहे हैं, आने वाली जिंदगी भी इतनी ही मज़ेदार होगी और इतना ही मज़ा आने वाला है। तो एनसीसी के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोगों को पनिशमेंट दी जाती है तो वहाँ पर एक शब्द का यूज किया जाता है, रगड़ा। तो याद रखना, यहाँ से निकलने के बाद जिंदगी में आपको रगड़ा मिलने वाला है और उस रगड़े को सहने की क्षमता बहुत कम लोगों के अंदर होती है। बहुत ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए। और सबसे बड़ा, सोचो, सोचने पे किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं है कि मुझे कामयाब होना है। ये बताना चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी सपने जो है उसको चेस कर देखना और उसको प्राप्त करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपने भी चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपने को पूरा करें। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ये है, जब वो सो जाते हैं और सोते सोते जो सपने आते हैं वो राइड में सपने हैं। तो सोते टाइम तो कुछ लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग डर के मारे आँख खोल के उठ जाते हैं, तो वो आपके रियल सपने नहीं है। सपने एक्चुअल में ये है या वो होते हैं जो रात को आपको सही ढंग से सोने ही ना दे, जब तक आपका सपना पूरा ना हो, उसको राइट वे में सपना कहा जाता है। समझ में आया? ऊपर वाले ने अगर आपको भेजा है यहाँ पर तो कुछ करने के पर्पस से भेजा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जिंदगी में उनका फोकस वो क्या नहीं कर सकते उधर ज़्यादा होता है, या क्या उनके पास नहीं है वहाँ पर ज़्यादा होता है। बहुत कम लोग फोकस करते हैं कि उनके पास क्या है। तो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों आपके अंदर है, जिसके ऊपर फोकस करोगे वो बड़ा होगा। ये बताना चाहता है। इनकी एक फेवरेट लाइन है, मैं आप लोगों के साथ गुनगुनाना चाहूंगा, आप लोग मुझे रिपीट करेंगे? Yes. कितने लोगों ने सुना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं इसको आगे रिपीट करूंगा, आप लोगों की लास्ट वाली लाइन जो है वो मेरे साथ रिपीट करनी है, इन्हीं की लाइन है। ओके, नन्नी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, क्योंकि मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते ना सहज ही मोते गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना विश्वास इसी हैरानी में, क्योंकि मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना मिले सफलता नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। तो ये लाइन हमें ये बताती है, आपकी जिंदगी में कामयाबी भी आएगी और नाकामयाबी भी आएगी, आपको डटे रहना है जब तक आप कामयाब ना हो। कई बार जिंदगी के अंदर अल्टीमेट पर्पस हमें कहाँ जाना है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है हम कौन सी जर्नी पसार कर रहे हैं, और जब उस जर्नी हमारे साथ होती है ना, उस जर्नी का मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आप यहाँ पर आए हो, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किया है, मैंने अपना 1-2 घंटे का टाइम अगर आप लोगों को दिया है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए जहाँ दोनों की जर्नी मज़ेदार रहे। तो जब बीच बीच के अंदर बात होगी और मैं बोलूँगा हेलो, तो आप लोगों को क्या करना है, तो वहाँ से मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग मेरे से कनेक्ट है। देखो, गर्मी आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, आपने सिंगल कपड़ा पहना है, मैंने 3 पहने, मेरी हालत आपसे भी ख़राब है, लेकिन टेंशन मत लेना, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर है, प्रोग्राम को पूरा करना और आप लोगों को 100% देना ये मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको मैं पूरी करूँगा, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, मुझे सपोर्ट कर दो।